आज वो मदद ना करके ब्राह्मण नेता बनते थे, एक ब्राह्मण के साथ जो अपमान उन्होंने कराया है, सीखा है, मरवाया है, ये जनता देखेगी, जनता ही जवाब देगी। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस से बीजेपी में आए योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद के आवास के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने विपक्ष को बीजेपी सरकार पर जितिन प्रसाद पर बड़ा हमला बोलने का मौका दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बस्ती जिले में बीजेपी नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कबीर तिवारी की दिन दहाड़े बदमाशों ने 2019 में गोली मारकर हत्या कर दी थी, यानी कि आज से 5 साल पहले। परिवार आज भी न्याय पाने के लिए लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। वहीं कबीर को इंसाफ दिलाने के लिए और न्याय पाने के लिए भाई जब यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद के आवास के बाहर पहुंचा तो उसके साथ जो हुआ उसने मंत्री जी पर तमाम सवाल खड़े किए। हालांकि जो पीड़ित ने आरोप लगाए हैं उनमें सच्चाई कितनी है, ये जांच का विषय है। आपको बता दें कि यह मामला साल 2019 का है, जब बस्ती में कबीर तिवारी नाम के युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। लगभग 5 साल बीत चुके हैं लेकिन परिवार न्याय की गुहार आज तक लगा रहा है। कबीर तिवारी की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन के साथ ही भाजपा सरकार के मंत्री नेताओं ने न्याय दिलाने का वादा किया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। इस बीच कबीर तिवारी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए भाई तुलसी तिवारी ने जब बस्ती से दिल्ली तक की यात्रा शुरू की तो उनके साथ बदसलूकी की खबर सामने आई है। जी हां, बता दें कि तुलसी तिवारी का कहना है कि 15 अगस्त को उन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और शाहजहांपुर जाकर मंत्री जितिन प्रसाद से मिलना था। तुलसी का कहना है कि उन्हें जितिन प्रसाद के PRO ने उन्हें पीटा और इतना ही नहीं पुलिस बुलाकर उनसे भी पिटाई करवाई, इसके बाद जबरन गाड़ी में बैठाकर शहर से बाहर भेज दिया। वही मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तुलसी तिवारी शंख लेकर बैठे और न्याय की मांग कर रहे। इस बीच वहां पुलिस वाले पहुंचे और उन्हें जबरन उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तुलसी भावुक हो गए और रोने लगे। उनका कहना है कि एक ब्राह्मण नेता के पास न्याय की मांग लेकर पहुंचा था लेकिन ब्राह्मण के दरवाजे पर लात घूंसे से एक ब्राह्मण का अपमान किया गया है। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि तुलसी अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मंत्री जितिन प्रसाद के आवास के बाहर शंख लेकर बैठे। वहीं कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर गाड़ी में बैठाते जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही तुलसी तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी आप सुनिए। आप यहाँ पे किस लिए आए हो तो आप साथ क्या हुआ है? मैं सुबह गया जितिन प्रसाद जी के यहाँ, बात करके उनके PRO से कल ही बात किया था, बात करवाई हमारी, मैं अपनी मांग रखूँ उनके सामने। सुबह बाहर बैठा हुआ था, प्रशासन आ गई पूरा कोतवाली और यहाँ के सारे लोग, वो कहे बाहर नहीं बैठना अंदर बैठिए, इसके बाद वो अंदर लेके गए। घंटे एक घंटे तक उनके PRO एक अनिल जी आए, जैसे ही उन्होंने मतलब गाली देते हुए तुरंत ललकारा पुलिसों को और जो है वो तुरंत ही उठा के गया घसीटते हुए ब्राह्मण को जिसके हाथ में शंख था और उसको ज़मीन पर रगड़ते हुए मारते पीटते हुए बाहर ले आए ज़बरदस्ती। कई लोग पूरा सारा कई लोग भी वहाँ मौजूद थे जिनके सामने। आप यहाँ क्यों आए हुए थे? अपने भाई के न्याय के लिए आया हुआ था और क्योंकि वो घर जाकर आश्वासन दे के आए हुए थे कि मैं आपकी मदद करूँगा और वो मदद ना। मामला क्या था? आज वो मदद ना करके ब्राह्मण नेता बनते थे, एक ब्राह्मण के साथ जो अपमान उन्होंने कराया है, घसीटा है, मरवाया है, ये जनता देखेगी, जनता ही जवाब देगी। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मेरे सर में चोट लगा है, अभी पैर में चोट लगा है, मैं उसको मेडिकल में दिखाने जा रहा हूँ, फिर मैं बाद में बात ही करूँगा, अभी कोई बात करने का साहस नहीं। सुना आपने? वही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मंत्री जितिन प्रसाद के द्वार पर बैठकर एक पंडित शंखनाद कर रहा था तो उसे बुलाकर घर के अंदर बिठाया गया, लेकिन जैसे ही मंत्री जी के PRO साहब ने उसे देखा तो उसे घसीटकर पिटवाया और घर के बाहर फेंकवा दिया। देखिए, आपको यह ब्राह्मण पहले शंखनाद करता, फिर लाठियां खाता और उसके बाद अपनी पीड़ा बताता दिख जाएगा। वही कांग्रेस आगे लिखती है कि दरअसल यह ब्राह्मण अपने मृत भाई कबीर त्रिपाठी के लिए न्याय मांगने गया था, इसकी हत्या
यात्रा कुछ साल पहले कर दी गई थी और तब जितिन प्रसाद ने उसके घर जाकर उन्हें न्याय दिलाने की बात की थी, मगर समय बीतने के साथ सत्ता सुख में मगन होकर सब भूल गए। वादा खिलाफी भाजपा वालों की पहचान है, ये कहते कुछ है और करते कुछ, इन्हें अपनी जुबान पर रहने की आदत ही नहीं है। कब तक ये फर्जीफिकेशन का खेल खेलकर जनता को बरगलाते रहेंगे? क्या कभी कबीर त्रिपाठी और उसके परिवार को न्याय मिलेगा? वही रुद्र प्रताप दुबे नाम के यूजर लिखते हैं कि जितिन प्रसाद जी तब शाहजहांपुर नहीं बल्कि दिल्ली में थे, जब वो आवास पर है नहीं फिर आवास के सामने धरने का क्या औचित्य है? आवास पर यह स्पष्ट बताया गया कि 30 अगस्त को जितिन जी से मुलाकात करवाई जाएगी। पुलिस को जोर जबरदस्ती से बचना चाहिए था, जितिन जी हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े थे, खड़े हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 30 अगस्त यानी कि आज मुलाकात का वादा किया गया था, उसके बावजूद भी ऐसा किया गया, जो गलत है। वही विपक्ष जो है उसको एक बड़ा मौका मिल गया है जितिन प्रसाद पर और बीजेपी पर बड़ा हमला बोलने का। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए 4PM। We'll be right back.